प्यारे मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आइए आइए, जबरदस्त 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 आगे रस्ता। भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद, 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 बहुत बहुत स्वागत, भारत माता के, जोरदार तालियों के साथ जोरदार खड़े होकर पूरे बोल। भाई मनीष रावत के बुलावे पर आज इतनी बड़ी है, जोरदार आगे 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 आगे, बोल बड़े बोल। जहां जगह मिले वहीं खड़े हो जाओ, बहुत शोर ना करें सब लोग, शांति से जरा रहे और पीछे निकलना तो बिना शोर किए धीरे धीरे निकले, आवाज नहीं करें। भारत माता की, भारत माता की, अब कोई भी शोर ना करें। तो भाइयों बहनों, रोहतक में 8 तारीख को इस यात्रा का समापन हो रहा है और देश के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने देश के प्रधानमंत्री, वो स्वयं रोहतक में हमको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप भी 8 तारीख को समय निकालकर रोहतक जरूर पहुंचना, ताकि पूरे हरियाणा के सब लोग एक बड़े से एक सम्मेलन में इस यादगार को हम लोग बनाएंगे। आज इस यात्रा का हेतु भाइयों बहन हमको मालूम है कि 2014 में 5 साल पहले हरियाणा की जनता ने, मैं इसको जनता नहीं कहूंगा बल्कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, ये मेरा परिवार है और इस परिवार ने हमें आशीर्वाद दिया था और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार हमने बनाई थी। उसके बाद लगातार 5 साल हम पूरी ईमानदारी से दिन रात एक करके
अपने इस परिवार की सेवा कर रहे हैं, मित्रों सेवा कर रहे हैं, चाहे विकास के काम हो और चाहे रोगों की रोजमर्रा की जीवन की कठिनाइयां मुश्किलें इनको दूर करने के लिए नई नई व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में तो खासकर बहुत सी कठिनाइयां थी, बड़ी कठिनाई यहां की पानी की, पानी की कठिनाई को दूर करने के लिए हमने सबसे पहले यहां का जो लिफ्ट सिंचाई का सिस्टम है उस पर 143 करोड़ रुपए लगा करके उसको सारे को दुरुस्त किया। और बाद में जितनी यहां पर टेल थी आखिरी नांगल चौधरी तक की टेल, वहां तक हमने 25 साल के बाद 30 साल के बाद वह पानी पहुंचाया। अभी हमारी अगली योजना कि अभी तो गांव गांव में पानी पहुंचा है, हम आने वाली योजना में घर घर की रसोई में पानी पहुंचाने के लिए, घर घर की रसोई के हर घर में नल और नल से जल, ये रसोई के अंदर टूटी खोलो पानी चला। बहुत योजनाएं आगे के लिए अपने हाथ में रखी हुई हमने, जैसे खेतों में 5 कर्म के रास्ते तो हमारे पक्के हो जाते हैं, लेकिन 4 कर्म के और 3 कर्म के रास्ते, इनको भी मित्रों अगले 5 साल की योजना में सब पक्के करा देंगे, चाहे 1,500 किलोमीटर हो जाए। हर घर में जो गरीब परिवार है उस परिवार के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं उठा पाते कि उसकी जो किस्त भरनी होती है उस किस्त को हम भरते नहीं हैं। जैसे जीवन ज्योति योजना 330 रुपये कोई भरता नहीं एक मेंबर के, सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 12 रुपये साल के हम भरते नहीं, फिर 60 साल की उम्र के बाद हमको सबको पेंशन मिल जाए इसके लिए हम 200 रुपये महीना भरते नहीं। ऐसे ही बहुत लोग फसल बीमा योजना में बैंक काट ले तो काट ले, बाकी हम भरते नहीं। जब हमने देखा कि लोग अपने आप नहीं भरेंगे तो हमने कहा कि सरकार हर परिवार को 6,000 का साल का देगी ताकि उसमें से सारी किस्तें भर दो, आपका जीवन सुरक्षित हो जाए। परिवार के अंदर पता नहीं कब कुदरती कहर आ जाए, उस समय परिवार संकट में से बाहर निकलने के लिए ये सहयोग आपको मिलेगा। तो भाइयों बहनों, बहुत सी योजनाएं सेंटर की बन रही है, बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत हम स्टेट भी बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि समाज का हर वो गरीब परिवार जिसकी आमदन 15,000 रुपये महीने से कम है वो 15,000 की आमदन पूरी करके और समाज की मुख्य धारा में आ जाए, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार की देखभाल कर सके, ताकि वो भी सम्मान से जीवन जी सके। मित्रों 5 साल हमारे समाप्त हो गए हैं, अब 1 ही महीना बाकी है। अगले 5 साल के लिए हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, आप हमको आशीर्वाद देंगे? देंगे, आप आशीर्वाद देंगे? तो आपने इस आशीर्वाद की हां की, पूरे हरियाणा में हमने जो अपना टारगेट रखा है वो 75+ का रखा है, ये 75+ का टारगेट आप पूरा करें तो ऐसा कि हमने 75+ कहा है, 75 हमारी प्लस आपकी, जितनी कर दोगे उतनी तुम्हारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भाई मनीष राव, बड़ी संख्या में आप यहां पर पहुंचे, गीत गीत सुनाइए तेज आवाज, तेज आवाज करो।